नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दे मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारत नेपाल मैत्री मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखा किया रवाना। रैली में 35 मोटरसाइकिल के साथ 42 लोग हैं शामिल। शिवहर में पूर्व पंचायत समिति को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। आक्रोशित लोगों ने किया दोस्तिया चौक को जाम। पश्चिमी चंपारण में अनियंत्रित ट्रक ने दो भाइयों को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की हालत बनी हुई है नाजुक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मझौलिया में प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह को किया गया आवंटित। मझौलिया पुलिस ने मारपीट मामले में एक नामजद अभियुक्त को छापेमारी कर किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की टीम पहुंची मझौलिया के रामेश्वर दयाल मध्य विद्यालय, छात्र छात्राओं की ली गई जांच परीक्षा। और अरेराज में पंडित मधुसूदन मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक पीपरा गांव की गौरव गाथा का हुआ लोकार्पण। मुख्य अतिथि के तौर पर चंचल बाबा और कैलाशपति त्रिपाठी रहे मौजूद। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दे मिली तो क्या किया, और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर, और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज पर देखिए काहार बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। आज मोतिहारी स्थित समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा के द्वारा भारत नेपाल मैत्री मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत भारतीय दूतावास काठमांडू और रॉयल एनफील्ड के द्वारा पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन दिनांक 11 नवंबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक निर्धारित है। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी मोटरसाइकिल चालकों का स्वागत फूल का माला पहनाकर किया गया। मोटरसाइकिल चालकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से या गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अमृत महोत्सव के अवसर पर मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भारत एवं नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। मोटरसाइकिल यात्रा के कमांडर सत्येंद्र दहिया ने बताया कि इस रैली में 35 मोटरसाइकिल के साथ 42 लोग शामिल हैं। इससे भारत नेपाल के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा मिलेगा और आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं वाराणसी एवं काठमांडू, ऐतिहासिक प्राचीन शहर है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी नेपाल के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बेसिकली ये मोटर एक्सपीडिशन है, बाइक एक्सपीडिशन है। नेपाल के जो हमारे साथी है वो यहाँ काठमांडू से होते हुए आज पूर्वी चंपारण, जो बापूजी की धरती है, बुद्धा की धरती है, यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ से वो वाराणसी जाएंगे। तो ये बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज भी है, इसके साथ हमारी इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन भी है, और साथ ही में जो है एक एडवेंचर स्पोर्ट, मोटर एक्सपीडिशन एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। आप देख रहे हो कि हिली एरिया में बहुत सारे लोग जो है जाते हैं मोटर एक्सपीडिशन करने के लिए, नेपाल भी उसके लिए जाना जाता है, और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे भी उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, वहाँ पे भी ये एक्सपीडिशन होते रहते हैं। तो ये एक मैसेज प्रमोट करने के लिए कि लाइफ को जीना चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए भी हम जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं, और एट द सेम टाइम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मोटर एक्सपीडिशन आयोजित किया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा जो है इनको एस्कॉर्ट के साथ साथ पूरी सुरक्षा यहाँ पे उपस्थापित किए गए, और जिलावार जो है
बॉर्डर तक जो है इनको छोड़ने का जो है प्रयत्न उनके द्वारा किया गया है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, प्रशासन, पुलिस हो, इवन एम्बेसी के जितने भी हमारे साथीगण हैं और यूपी के भी जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इस तरीके का एक्सपीडिशन जो है आयोजित किया और जो एक संदेश है, मैत्री का संदेश है, आज़ादी का संदेश है भारत के, वो इस एक्सपीडिशन के द्वारा दिया। धन्यवाद। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 10वीं चरण के पंचायत चुनाव के तहत होने वाले मतदान को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। पंचायत निर्वाची पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्र ने बताया कि विभिन्न पदों के अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत चुनाव चिन्हों को मैदान में उतरे विभिन्न पदों के सभी प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। वहीं सूचना पट पर विभिन्न पद के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह चिपका दिए गए हैं। अब अभ्यर्थी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशियों ने क्षेत्र में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं प्रखंड कार्यालय गेट के दोनों तरफ चुनाव चिन्ह का नमूना बेचने वाली दुकानें भी सज गई है। मसौलिया पुलिस ने मारपीट के मामले में एक नामजद और फरार अभियुक्त को छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 3 निवासी शेख लियाकत के पुत्र शेख नईम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ मसौलिया थाने में कांड संख्या 467/2021 दर्ज है, जिसका वह नामजद अभियुक्त है। मझौलिया थाना कांड संख्या 467/21 दिनांक 1/9/21 धारा 452, 341, 323, 354 भी, 504, 506, 34 भादवी के प्राथमिकी अभियुक्त शेख नईम पिता स्वर्गीय शेख लिया है साहब के मझौलिया वार्ड नंबर 3 को बारी टोला मुफसिल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। इन पर आरोप है कि अपने पड़ोसी दुकानदार को छेड़छाड़ करते थे तथा उनके घर में घुसकर मारपीट किए। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के अम्बा ओझा टोला में कल देर शाम अपराधियों द्वारा पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन झा को गोली मार दी गई थी, जिससे वे घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने दोस्तिया चौक पर आज जमकर आगजनी किया और प्रशासन से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि दोस्तिया स्ट्रीट हाईवे पथ को जाम कर सभी दुकानों को भी बंद करा दिया। वहीं कल घटनास्थल से पुलिस ने एक मैगजीन, एक खोखा बरामद किया है। डीएसपी संजय कुमार पांडे के मुताबिक अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। हमारे ग्रामीण नवीन कुमार झा को गोली लगने के उद्देश्य से हम लोग रास्ता जाम किए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हाजिर करें। हमारा मांग है कि अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। यही हमारा मांग है। और अपराधी के चलते हम लोग का ऐसा दशा हो रहा है। ये कहना है कि मैं आजादी से शाम में भी या किसी समय घूम सकूं, वो सुकून नहीं मिल रहा है। हमको चाहिए कि भाई अपराधी रोड पे घूम रहा है और हमारे घर में हमारे परिवार के लोग बोलते हैं कि आप घर बंद करके बैठिए, दरवाजे पे भी नहीं बैठिए। वो नौबत आ चुकी है, वो नौबत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पश्चिमी चंपारण में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पूरा मामला नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग की है, जहां फसल की रखवाली कर रहे दो भाइयों को तेज रफ्तार से आ रही मिनी ट्रक ने रौंद दिया, जिससे एक भाई का इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घटना बीती रात्रि की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक नरकटियागंज की तरफ से आ रही थी। मृतक की पहचान 26 वर्षीय उदयबीन जबकि घायल की पहचान अजयबीन के रूप में की गई है। दोनों ममेरे फुफेरे भाई बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने मिनी ट्रक और चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया। इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि वाहन व चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उदय, घटना हुआ कहाँ पे? पेट्रोल पंप के पास। क्या करने गए थे वहाँ पे? गए थे धान कटाया हुआ था। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के 7 मानकों के आधार पर प्रस्वीकृत रामेश्वर दयाल मध्य विद्यालय मझौलिया में वर्ग 8 के छात्रों की जांच परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें बतौर ऑब्जर्वर सरस्वती विद्या मंदिर बर्वत सेन बेतिया के प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद यादव तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय भवानीपुर योगापट्टी के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक शैलेश कुमार राव की देखरेख में विद्यार्थियों की परीक्षा संपन्न हुई। ऑब्जर्वर ने बताया कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में विद्यार्थियों के गणित, विज्ञान व भाषा ज्ञान को परखा गया है।
इस जांच परीक्षा में कुल 17 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रामजी शर्मा, सहायक प्रधानाध्यापक श्री ठाकुर, परीक्षा प्रभारी अनिल कुमार शर्मा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। बताते चले कि शिक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। अरिदास के पिपरा गांव में पंडित मधुसूदन मिश्र द्वारा लिखित पिपरा गांव की गौरव गाथा पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह लोकार्पण प्रारंभा शक्ति पीठ मोतिहारी के पीठाधीश्वर चंचल बाबा और कमलापति त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस पुस्तक में पिपरा गांव से जुड़े हर एक पहलू को दर्शाया गया है। गांव के बसने से लेकर अभी तक का इतिहास को वर्णित किया गया है। पुस्तक के अंत में पूरे गांव की वंशावली को भी अंकित किया गया है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में अरविंद मिश्र, रवीश मिश्र, जन्मेय मिश्र, मृत्युंजय मिश्र सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सवाल है, पर जनता के मुश्किल दिनों का साथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। एचटीवी न्यूज पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।